अनिल नारंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम बिंदु है और हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं। टुडे आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई। लाइफ तो बहुत अच्छी थी पहले भी, बिकॉज अनिल वाज वर्किंग एज ए एक्सचेंज विद द पंजाब गवर्नमेंट। सबसे बड़ी डिवीजन का चार्ज था, कहीं किट्टी पे जाना होता था, गाड़ी आ जाती थी, सब कुछ जबरदस्त चल रहा था। लेकिन टुडे द लाइफ इज डिफरेंट। मैं डिफरेंट क्यों कह रही हूँ, अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल है। जल्द दिल करता है सोते हैं, जब दिल करता है उठते हैं, जो दिल करता है करते हैं। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाई चांस हम लोगों की लाइफ में आई थी और उसके कारण एवरीथिंग चेंज। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि घर बदल गए, गाड़ियाँ बदल गई, ये तो इंसान कहीं से भी ले सकता है। लेकिन इस बिजनेस के कारण स्किन अच्छी हो गई, हेल्थ अच्छी हो गई, वी आर फीलिंग सो एनर्जेटिक एंड यंगर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, अपनी हेल्थ तो अच्छी हुई, अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी फायदा हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो गया। हमारा जो हम खाना खा रहे हैं, जो जिससे हमें जितनी फूड वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन इज द फूड सप्लीमेंट एंड न्यूट्रलाइट इज द वर्ल्ड नंबर वन। और उसकी वजह से अमेजिंग अपनी हेल्थ हम इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मिला इस बिजनेस की वजह से, जो कहीं और से नहीं मिल सकता, दैट इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और जब हम इस बिजनेस में आए थे ना, हमारे बच्चा, मेरा बेटा 10 साल का था, बेटी 7 साल की। अभी हमारे दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, एक ग्रैंड डॉटर है और एक ग्रैंड सन है। हम लोगों की सोच बदली, वही बच्चों में ट्रांसफर हुई। आई थैंक एवरी डे कि दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी केम इन टू आवर लाइफ, क्योंकि माइंड वेवरिंग हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता क्या है। लोग कहते हैं मैंने भी देखा था, मैंने भी किया था, दे डोंट नो क्या उन्होंने देखा था और क्या उन्होंने छोड़ा। ये सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में ना आती तो क्या होता। नो डाउट अनिल आज रिटायर हो चुके होते और लाइफ ऐसे ही चल रही होती, लेकिन एक ऐसी लाइफ खो देते जो आज हम लीड कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और इससे आगे बात करेंगे अनिल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोगों से बात कर पाएंगे हम इस तरह डिजिटली, हमने कभी सोचा नहीं था। पूरा जमाना ही बदल गया। हम लोग तो ऐसी ऐसी लाइफ से आए हैं और यहाँ तक पहुँच गए, आज की डिजिटल सेमिनार्स होने लग गए। और कभी ऐसा भी टाइम होता था हमारे पास जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, एक ना तो मोबाइल था, ना ही एक पेजर हुआ करता था, वो भी बाद में आया था। हम लोग दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे और उन्होंने हमारे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया। वो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरे को उन्होंने पढ़ाई। चाहते थे हम पढ़े हुए कुछ अच्छा करें और लाइफ में एक्सेल करें, और उनकी ये इच्छा थी कि हम पैसा भी कमाएं, नाम कमाएं, ज़िंदगी में कुछ बने। और मैंने डिसाइड किया सिविल इंजीनियर बनने का, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ यू गो टू गुड स्कूल्स, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। वो फार्मूला हम लोग पूरा फॉलो कर रहे थे। मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप था, बीटेक ऑनर्स में की मैंने, सिविल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हुई और मेरी फर्स्ट जॉब लगी है एक कॉर्पोरेट में। और उन्होंने कहा कि अगर आप आगे पढ़ते हो तो हम प्रमोट कर देंगे। हमारे को एक ही तरीका पता था, अच्छी पढ़ाई कर लो, प्रमोट हो जाओगे, ज़िंदगी बन जाएगी, कुछ बड़े बनोगे। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट में और उसमें गोल्ड मेडल लिया। और उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया कुछ देर के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट में गए, पंजाब गवर्नमेंट में आए। टोटल 15 साल मैंने जॉब की। और बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मैं कुछ देख नहीं रहा था, मेरे ब्रदर ला करनाल से हमारे घर आए, मेरे को लेके गए चंडीगढ़ में किसी घर में, धक्के से लेके गए। मेरे को कहते हैं यार तू मेरे साथ चल, वहाँ पे कोई बिजनेस आने वाला है। मैंने कहा यार मैं बिजनेस
करना नहीं चाहता, मेरे को क्यों लेके जा रहे हो, आप जाके आओ, शाम को मिलते हैं, अच्छे से पार्टी करेंगे। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं व्हेन यू टेक सम डिसीजंस व्हिच लुक वेरी इनसिग्निफिकेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट दे मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। मेरे साथ उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। आई टुक ए स्मॉल डिसीजन ऑफ गोइंग विद हिम, मैं उनके साथ चला गया एंड वी एंटर्ड अ रूम, एक घर में गए हम जहाँ पे बिजनेस प्लान डिस्कस हो रहा था और वहाँ पे 15-16 लोग थे और सबने सेम प्लान देखा। हम लोग लेट गए थे, मैंने पूरा देखा भी नहीं, बट कैन यू बिलीव उस दिन अकेला मैं वहाँ से ज्वाइन करके निकला और वापस आया, घर गया, बिंदु को लेके वापस गया। हमारे जिन्होंने हमें प्लान दिखाया था वो एक फॉरनर थे, डॉक्टर विलियम हैरिस, जो उस टाइम प्लेटिनम थे, जो US से इंडिया आए हुए थे, इनको भी वापस लेके गया, उनसे मिलवाया और हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बट दिस बिजनेस हैज क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। जस्ट आफ्टर वन शॉर्ट ईयर आई कुड लीव माई जॉब, वो जॉब जो उस वक्त हमें ऐसे लग रहा था पता नहीं यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, उस जॉब को मैंने एक साल में छोड़ दिया एंड टोटली फोकस्ड इनटू दिस बिजनेस। और इस बिजनेस से सक्सेस पाते हुए सारी दुनिया की सैरें करी, हमारी सोच बदल गई, ऐसे ऐसे वर्ड हमारी जिंदगी में आ गए जो हमें पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं डिक्शनरी के अंदर भी। हमें कुछ नहीं पता था कि सोच से जिंदगी चलती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का इम्पैक्ट नहीं पता था, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, इन चीज़ों को हमने जिंदगी में सुना नहीं था। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता लगी और इस बिजनेस को हमने करना शुरू किया। मैं हमेशा से बढ़िया करना चाहता हूँ।
together. Wish you all the best. Thank you very much. और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. नए साल नई खुशियां लेके आए और नई उमंगे लेके आए. की गल है जी, कमाल है जी. बिंदु जी, अनिल जी, फ्रॉम द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ माई होम चंडीगढ़, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन.